श्रीमती का भी किसी ने बनाया नमस्ते राजा इधर आ चल करता हूँ कुर्सी ले जा रहा करता हूँ थोड़ी लाना राजा और ये मेरे नीचे भाषण वासण देने की आदत नहीं है मुझे, आज सीधा दिल से बात करेगी। शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी कड़वी लगे, पर ध्यान से सुनना, आप लोग भी समाज के ठेकेदार जो हो। सीधा पॉइंट पे आती है मैं, यहां बैठे सबका कुछ ना कुछ तो धंधा होता होगा, बिजनेस। कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर, कोई टीचर, कोई चना बेचता है, कोई दारू कपड़ा बर्तन है कि नहीं जैसा है। दिमाग वाला दिमाग बेचता है, हमारा धंधा शरीर का है तो हम शरीर बेचते हैं। बदन तुड़वाकर मेहनत करते हैं साहेब, तो क्या गलत करते हैं? इनको सिर्फ हमारी ही दुकान से एतराज क्यों? सिर्फ हमारा ही धंधा बेइज्जत क्यों? आदमी लोग आते हैं आपके ही मोहल्ले से हमारे मोहल्ले में, फिर भी हमारा मोहल्ला बदनाम क्यों? जानते हैं दुनिया का सबसे पुराना पेशा कौन सा है? हम वैश्याओं का। हमारे बिना तो स्वर्ग भी अधूरा है भाई, थोड़ी तो इज्जत देनी पड़ेगी है कि नहीं? सच बताऊं तो आप लोगों से ज्यादा इज्जत है हमारे पास। आप लोगों की इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है, साली खत्म ही नहीं होती। कमाठीपुरा में ना कभी अमावस नहीं होती, जानते हो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि वहां गंगू रहती है, गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। चलती है ना?